Hey guys, I am Faizan Ansari. मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं? आज हम जावा 42 2.1 का रोड टेस्ट करने जा रहे हैं क्योंकि काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसका रोड टेस्ट करके एक वीडियो डालिए, इसमें गियर शिफ्टिंग का और सिटी का और हाईवे का एक्सपीरियंस हो कि किस तरह से इसके गियर शिफ्ट होते हैं, पिकअप क्या देती है रियलिटी में। तो इसलिए मैंने एक ये वीडियो बनाई है, एंड तक देखिएगा। मैंने एक्सप्लेन किया है इसका क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसको चलाने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पहले से नागिन निकाली। धर्राइंटे काट रही है ओम थो। गियर्स काफी स्मूथ हैं, जैसा कि आपने देखा कि इंस्टेंटली गियर कहीं कोई लैग नहीं है, एकदम शिफ्ट होते चले जाते हैं 1 2 3 4 जैसा आप चाहें। अगर एक्सेलरेशन अच्छा दे रहे हैं तो गियर में कहीं कोई लैग या ग्लिच नहीं है, एकदम स्मूथ गियर है। गियर बॉक्स इसका बहुत स्मूथ लगा मुझे और एक सुपर बाइक वाली फीलिंग आती है, लगता नहीं कि आप क्रूजर बाइक चला रहे हैं, एकदम स्मूथ गियरिंग है। 120 पे है बाइक अभी और कोई वाइब्रेशन नहीं है। आई एम शॉक्ड कि कोई वाइब्रेशन नहीं है बाइक में, एकदम स्मूथ चल रही है। और थोड़ा सा हवा का प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि स्पीड बहुत काफ़ी है, 120 काफ़ी होती है, लेकिन बाइक में कोई इशू नहीं है, कोई ना वाइब्रेशन है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। जैसे इनफील्ड जो है वो 110-115 के बाद ऐसी हो जाती है कि आपके हाथ से भागने लगती है। आप कम भी करो तब भी लगता है ज़्यादा भाग रही है, लेकिन वो इसमें नहीं है। ज़्यादा स्पीड देने पे उस पर ज़्यादा पटर पटर भी कर जाता था उसका इंजन, वो इसमें बिल्कुल नहीं है। टॉप स्पीड इसकी अभी गई है 120, तो 120 पे काफ़ी स्मूथ चल रही थी गाड़ी, और भी जा सकती थी। मुझे लगता है 125 या 30 कर लेती अगर थोड़ी देर से और रेव किया जाता, लेकिन कुछ ना कुछ व्हीकल आए जा रहे थे, कार्स बाइक्स आ जा रही थी, तो इसलिए मैं और रेव नहीं कर पाया। लेकिन ये है कि फ्लुएंटली जो गई है वो 120 गई है, उसके बाद थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, शायद थोड़ी और हीट होके आगे चली जाए। अभी 120 गई है, किसी लॉन्ग रूट पे चला के देखेंगे आगे। वैसे ये है कि 0 से 100 जो है बहुत ही जल्दी कवर कर लेती है, 0 से 100 एक कब चली जाती है पता नहीं चलता। गियर स्मूथ है, क्लच भी अच्छा है, तो 0 से 100 के लिए तो बहुत ही अच्छी लगी, 0 से 100 एकदम चली जाती है। अब इस ट्रक से हमें ओवरटेक करना है तो मुझे ज़्यादा रेव नहीं करना पड़ा, एकदम ओवरटेक हो जाती है। फिर एक चीज़ ये है कि कंट्रोल बहुत ही अच्छा है इसके, जो है पिकअप के साथ साथ कंट्रोल इतना अच्छा है बाइक का कि एकदम कंट्रोल हो जाती है। जैसे अंदर क्या लाउड है, जैसे साइकिल वाला मेरे सामने आया मैंने एकदम कंट्रोल हो गए, कोई मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता था, कंट्रोल होती है, ईजिली कंट्रोल हो जाती है। अगर आप स्पीड में भी हैं तो बहुत अच्छी कंट्रोल हो जाती है। आज की ट्रिप हमारी छोटी है, आगे किसी लॉन्ग रूट पे, किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, तब देखते हैं क्या हमें रिजल्ट्स और देखने को मिलते हैं इसकी परफॉर्मेंस के। फिलहाल तो ये छोटी सी राइड है, इसमें हमने थोड़ा सा इसका एक्सेलरेशन, पिकअप और पावर देखी है, आगे देखते हैं क्या होता है। और चलाने का सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है वो ये आता है कि इसे जो रेव करते हैं आप तो इंजन प्रेशराइज फील नहीं करता, कोई ऐसा इतना प्रेशर नहीं दिखता इंजन पे कि हाँ इंजन की साउंड बहुत ज़्यादा आ रही हो या इंजन प्रेशर फील करा रहा हो, बहुत लोड सा महसूस हो रहा हो। काफ़ी मैंने रेव करके देखा लेकिन कोई प्रेशर नहीं फील हुआ बाइक पे, मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हाईवे पे हमने इसे चलाया, अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ वापस। तो ये थोड़ा सा लोकल रोड है, यहाँ थोड़ा रश रहता है, तो यहाँ भी एक्सपीरियंस ये रहा कि कंट्रोल इजी है, कोई ज़्यादा इतना हैंडल बार इतना हैवी नहीं है कि आप कंट्रोल ना कर सकें, इंस्टेंटली सुपर बाइक की तरह आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, चलाने में बहुत इजी है, लगती हैवी है। कई लोगों ने मुझसे ये पूछे कि डीजल से चलती है पेट्रोल से, चलो देखने से उसका लुक जो है वो ऐसे लगता है कि बहुत हैवी इंजन है, तो लोगों को लगता है कि शायद डीजल बाइक है, तो लेकिन जितनी दिखने में मैसी और हैवी लगती है चलने में उतनी स्मूथ और इजी है मेरे हिसाब से, बहुत इजी है चलाना इसे, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता इसे चलाने के लिए, हैंडल बार बहुत ही स्मूथ है, कंट्रोल बहुत अच्छा है, आप कहीं भी एकदम से मोड़ सकते हैं, कहीं भी
जो है एकदम से आप इंस्टेंटली एक्शन कर सकते हैं। एक चीज़ हाँ ये डिफरेंट है थोड़ा सा कि जो लोग पहले रॉयल इनफील्ड की बाइक चलाते हैं, जैसे सपोज कीजिए क्लासिक चला रहे हैं, मीटियोर चला रहे हैं, तो अगर आप जावा में शिफ्ट कर रहे हैं तो शुरू शुरू में आपको गियर थोड़े से अनोइंग लग सकते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ 6 गियर्स हैं। तो एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए आपके पास एक डिफरेंट गियर है। उसका बेनिफिट ये है कि सपोज कीजिए आप लद्दाख किसी ट्रिप पे जा रहे हैं जहाँ आपको थोड़े स्टीप मिलते हैं, जो गाड़ी चढ़ानी पड़ती है, तो वहाँ ये इंजन प्रेशराइज नहीं होता। आप एक गियर डाउन शिफ्ट कीजिए और उसके बाद आपकी गाड़ी में पूरी पावर रिस्टोर हो जाती है, आप रेव करके खींचते ले जाइए। तो वो आपको सिटी में शुरू शुरू में थोड़ा सा लगता है कभी पहला फिर एकदम दूसरा, तो थोड़ा सा ये लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप यूज टू हो जाते हैं उसके बाद इसी में मज़ा आता है। कि मैंने पहले क्लासिक चला रहा था, लेकिन अब जब से मैं ये चला रहा हूँ 2 महीने से, तो मुझे बड़ा अलग और बड़ा एंथुजियास्टिक फील हुआ इसे चला के। पावर महसूस होती है बाइक में, लैग नहीं करता कहीं। सबसे ज़्यादा जो है यही मज़ा इस बाइक को चलाने का कि एंथुजियास्टिक बाइक है, और इसी वजह से इसकी साउंड जो है वो भी बहुत ही अच्छी डिसेंट सी साउंड है। तो आप अगर सिटी में भी हैं तो थोड़ा सा रेव करने में, थोड़ा सा तेज़ निकालने में कोई ज़्यादा किसी को इरिटेट नहीं करता है, थोड़ा एकदम नॉर्मल साउंड है। हाँ, एक चीज़ अच्छी ये लगी कि काफ़ी बाइक्स हैं जो क्रूज़र बाइक्स हैं, उनका क्या रहता है कि उनका जो गियर पैडल है वो लूज सा पड़ा रहता है, मतलब वो हिलता सा रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई जुगाड़ है। तो वो इसमें नहीं है, इसका गियर जो लीवर है या उसे आप जो है गियर पैडल बोल सकते हैं, वो काफ़ी जो है अपनी जगह में फिट है, ऐसा कोई लूज नहीं पड़ा रहता। तो कभी भी मेरे साथ ऐसा अभी तक इसमें नहीं हुआ कि आपने लीवर अप साइड किया, गियर शिफ्ट गियर अप किया और लीवर जो है वो लूज पड़ा, वो नहीं डला हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, मैं 2 महीने से मेरे ख्याल से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ मैंने गियर डाला हो और गियर नहीं डाला हो, वो अटक के रह गया जैसे कभी कभी क्लासिक में हो जाता था। तो वो चीज़ इसमें नहीं लगी मुझे। ये सबसे ज़्यादा जो है पसंद आई वो ये बात आई कि इंजन का जो इन्होंने मैकेनिज्म दिया है वो ऐसा है कि एक एक्शन पैक बाइक है, दिखने में जो है क्रूजर लगती है, चलने में स्पोर्ट्स बाइक का मज़ा है, तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी मैं आगे प्लान कर रहा हूँ कि कम से कम 500 to 1000 किलोमीटर की राइड हो, जिस पर हमें और थोड़े से जो है रिजल्ट्स मिलें कि एक लॉन्ग ड्राइव में हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं या नहीं, या इसको कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो अभी एक थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे इसे लेके, तब देखते हैं। तो एक वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। टिल देन, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।